हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। ये मेरे पास मोटो का मोटो E7 पावर है और इसके अंदर क्या गाइज, इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है और इसमें आपको डिसेबल का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इसका आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, अबाउट फोन में आता हूँ। यहाँ पर देखिए मोटो E7 पावर है और मोटो कहता है कि यहाँ पर गाइज इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड है। फिर भी गाइज पता नहीं ऐसी दिक्कतें क्यों आती है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड बेसिकली ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत जब MI के अंदर आती है यानी कि MIUI के अंदर आती है तो फिर MIUI को बदनाम किया जाता है इस इश्यू को लेकर। अभी मोटो में आ रही है तो पता नहीं इस पर क्यों लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके अंदर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं 198 पे कॉल करता हूँ और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा गाइज वीडियोज़ के अंदर, लेकिन मैं क्लियर बताता हूँ आपको इसका सोल्यूशन 101% में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर देखिए गाइज हमने कॉल लगा दिया, ये मेरे पास शॉप पे रिपेयर होने के लिए आया था, तब मैंने सोचा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए मैं पावर की को दबा रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बाद में क्या करना पड़ेगा गाइज, मुझे इसको पावर की को लॉन्ग प्रेस करके स्विच ऑफ करना पड़ेगा यानी कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कॉल लग रही है, जब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती तब तक डिस्प्ले के अंदर कुछ भी ये शो नहीं कर रहा है। तो देखिए गाइज इस तरह की कुछ इसकी कंडीशन है। यदि आपके पास ये डिवाइस है तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। यदि आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैं पावर के को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ और अभी कुछ देर में देखिए ये जो हमारा डिवाइस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। जब रीस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। इसमें आपको सेटिंग में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन एक अदर तरीका है जिसके ज़रिए से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल में। तो अभी देखिए हमारा डिवाइस जो गाइज रीस्टार्ट हो चुका है और ये कम्प्लीटली रीस्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। और थोड़ा सा वीडियो यार लंबा हो रहा था, इसके मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार शॉपे इस तरीके की वीडियोस थोड़े से लंबे बन जाते हैं, फिर उन पर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, फिर कट लगाते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ पर लगाना है। तो इस वजह से यार थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। अभी हमारा डिवाइस रिस्टार्ट हो चुका है, अभी आपको क्या करना है सबसे पहले गाइज, तो अभी आपको क्या करना है गाइज, प्ले स्टोर के अंदर आना है और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कि देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉल प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिक्स नाम से ये एप्लीकेशन है। लिंक मिला तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसका सेटअप बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे और आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो सेटअप है थोड़ा सा गाइज डिफिकल्ट है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल होने के बाद इसको कुछ परमिशन आपको देनी होती है। तो परमिशन के लिए आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने वाला फर्स्ट परमिशन है, ये पहले आपको जो नीचे दो परमिशन दिखाई दे रही है देखिए यूज आल्सो, इनको इनेबल कर देना है। फिर आपको ग्रेट परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक्टिवेट द डिवाइस एडमिन ऐप, एक नंबर जो है इस पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। फिर दूसरी परमिशन पे जाना है, जाने के बाद आपको परमिशन में आना है। परमिशन में आने के बाद यहाँ पर आपको जो ये टेलीफोन की परमिशन है इसको गाइज अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करने के बाद गाइज आपको बैक करना है और बैक करने के बाद होम पेज पे जाना है। फिर से आपको एक परमिशन और है, वो है गाइज यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो आपको नोटिफिकेशन पे आना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद इस परमिशन को ये ऑफ होगी आपके, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइज बैक जाना है। अब आपकी ये भी परमिशन अलाउ हो चुकी है, अब सारी परमिशन आपकी अलाउ हो चुकी है। अभी गाइज आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाना है जहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिंपली एक बार ऑन या ऑफ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपको कॉल करना है। तो देखिए गाइज मैं सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूँ, नीचे स्क्रॉल कीजिए, फिर आपको आना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर या एडिशनल सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक्सेसिबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। इस पे आने के बाद यहाँ पर देखिए प्रॉक्सिमिटी फिक्सर सेंसर ऑफ है आपके, इसको एक बार गाइज आपको ऑन कर देना है। ऑन करके फिर ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ तो देखिए हमें किस तरीके का इसके अंदर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये सिंपली 123 पे मैं कॉल करता हूँ और अभी देखिए हमारे डिवाइस की लाइट जो है एक बार ऑफ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए पावर की से जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी लाइट फिर से ऑन हो रही है, बल्कि पहले नहीं हो रही थी। जिस तरीके से आप कर सकते हो, मैं एक बार और आपको चेक करा देता हूँ कॉल करके कि किस तरीके से आपको करना है। ये सारे नंबर्स गाइज किसी पे कॉल मत करना, कस्टमर्स के तो कोई आपको गाली वगैरह निकाल सकता है। यहाँ पर देखिए अभी हमारी लाइट है वो ऑफ नहीं हुई है, जैसे मैं इसके पास हाथ लग के जाता हूँ तो ये देखिए हमारी ऑफ हो चुके। अभी ऑन करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, पावर की को एक बार फ्रेश करना है, फ्रेश करने के बाद आपकी लाइट इजिली ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से चेक करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं बार बार हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो ऐप है आपको फ़ोन के अंदर रखना पड़ेगा या आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं। तभी देखिए कॉल चल रही है, हाथ पास में लेकर गया, लाइट ऑफ हो गई, पावर की से प्रेस किया, हमारी लाइट ऑन हो गई। आई होप गई जी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।